हरियाणा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11 जून 2023 को मिले जले अज्ञात शव की शिनाख्त कर हत्या का अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आला कत्ल किया गया बरामद। थाना बिवाना जनपद अम्बेडकर नगर के अंतर्गत ग्राम भीतरी डीहा में कुछ दिनों पहले मिली एक अज्ञात शव पड़े बंद विद्यालय में जल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना व स्वात टीम व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां अज्ञात शव पूर्ण रूप से जल चुका था, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुंह संख्या 70/2023 धारा 302-201 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना की गंभीरता की दृष्टि से शिनाख्त एवं घटना के सफल अनावरण पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर विवेचना में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी। घटनास्थल की जांच करने पर जो साक्ष्य सामने आया कि कुछ लोग गांव में सर्कस लगाते हुए जो घटना के दिन से ही गायब हैं, जांच करने से मृतक की अजब सिंह उर्फ रंगीला पुत्र विजयपाल सिंह निवासी जजबा थाना नकोट के रूप में शिनाख्त हुई। घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए इमरान उर्फ पतलू पुत्र मेहरबान निवासी उपरोक्त जिला सहारनपुर व फरमान उर्फ मोटू पुत्र उजेर खान निवासी गढ़ उपरोक्त व इरफान पुत्र नाटे निवासी उपरोक्त थाना बिवाना जनपद अम्बेडकर नगर को दिनांक 20 जून 2023 को रसूलपुर दियारा में रिक्सलाइन अंडर पास के नीचे से समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गढ़ के निशानदेही पर 2 आदत आला कत्ल ईट 2 पैकेट कॉन्डोम 1 बोतल 2 लीटर का जिसमें डीजल लाया था, जो कि बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभी उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जो कि पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक इमरान व इरफान की बहन से प्रेमालाप वार्ता करता था, जो मना करने पर नहीं मानता तथा घटना से 3 दिन पूर्व सर्कस का सामान मृतक द्वारा बेचकर स्वयं सामान बेचने से प्राप्त पैसे ले लिया था, जिसके कारण अभियुक्तगण द्वारा हत्या की योजना बनाकर शराब पीने के बहाने बुलाकर ईंट से वार कर हत्या कर दी गई, जिसका साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। जिस मौके पर थाना बिवाना की पुलिस टीम थाना अध्यक्ष अभय कुमार मौर्य, निरीक्षक हीरा लाल यादव, उप निरीक्षक पारसनाथ यादव, साकेत यादव, कांस्टेबल अवनीश मिश्रा, विजय बहादुर मौर्य गिरफ्तार करने में सफल रहे। ये प्रकरण बिवाना थाना के ग्राम भीतर डी में 11/6 को एक जलती हुई लाश मिली थी, जिसके पास और कोई शिनाख्त नहीं था, कुछ फिजिकल एविडेंस मिले थे शिनाख्त के तौर पर, जिसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। पता लगा कि यह व्यक्ति अजब सिंह नाम का है और ये 3 लोग सर्कस लगाने आए थे कुछ दिन पहले और उसके बाद से ये गायब। इस सिलसिले में टीम ने जब पता लगाने की कोशिश की तो निकल के जो स्थिति आई कि मृतक का नाम अजब सिंह और रंगीला था और इसके मित्रों इमरान इरफान फरहान ने मिलकर हत्या की। हत्या का कारण पूछा जाने पे जो क्लियर हुआ कि घटना के पहले इमरान और इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे, लेकिन ये मानता नहीं था। फिर सर्कस का कुछ सामान बेचने का पैसा बेचा, कुछ सामान बेचा अजब सिंह ने, वो पैसा स्वयं रख लिया, वो इनको नहीं। इस बात से नाराज होकर इन दोनों तीनों लोगों ने इसकी पहले हत्या की और लाश को वहाँ मौजूद स्कूल में मौजूद लकड़ियों पे कागज के गत्तों पे इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की, जिसमें लाश लगभग 90% जल चुकी थी। कुछ रीजन बचे थे, कुछ कपड़े के प्याज बचे थे। इनकी निशानदेही पर जिस चीज से मारा इन्होंने, आला कत्ल जिसे कहते हैं, वो आला कत्ल भी बरामद हुई है, वो बोतल भी बरामद हुई है 2 लीटर की, जिसमें ये केरोसिन रख के जलाए थे, वो सारे सब सामग्री बरामद हुई है, साथ में कंडोम का पैकेट भी बरामद हुआ है।